नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जीनस इन्वर्टर के बारे में हम बहुत कुछ बताएंगे, जो कि आप वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी वीडियो देखेगा तो आपको काफ़ी जानकारी इसके बारे में मिलेगी, जो कि हम डायग्राम भी इसका और ड्राइवर DSP का सारा डिटेल जो है आपको इस वीडियो में देंगे। तो बिना स्किप करते हुए आप देखें, चलिए देखते हैं। आपको बता दें, जीनस साइन वेव इन्वर्टर ये नंबर एक इन्वर्टर है साइन वेव में, जिसके CEO MD राज अग्रवाल हैं, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं, और इसकी कंपनी जीनस की जयपुर है। इसका जितना भी ये साइन वेव का इन्वर्टर है, ये केवल साइन वेव बनाते ही हैं, इसमें स्क्वायर वेव नहीं बनाते जीनस कंपनी, और इनका ये बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। और इसका हम आपको बहुत इजी तरीके से इसका डायग्राम, जो कि इसी मोड में जैसे आप देख रहे हैं PCB, हमने ऐसे ही डिज़ाइन किया है आपको, जिसे काफ़ी आसानी होगी समझने में। अभी हम आगे दिखाते हैं, जैसे इसका ये जो देख रहे हैं MOSFET और ये जो DSP और बीच में ड्राइवर है, इसका हमने जो है इसी रूप में उस डायग्राम के द्वारा डिज़ाइन किया है, जो अभी हम दिखाएंगे आपको। उसमें वोल्टेज भी हम दिए हैं, जो इन्वर्टर मोड और नॉर्मल मोड के वोल्टेज, और ये DSP और ये ड्राइवर, जैसा कि हम देख रहे हैं आप, ये ड्राइवर है इसका। ये जो फॉल्ट आते हैं इसमें जीनस इन्वर्टर में, सबसे अधिक ये ड्राइवर के ही फॉल्ट आते हैं, इसकी IC फॉल्ट होती है ज़्यादा, और भी कुछ फॉल्ट है जो कि आपको क्लियर करने में डायग्राम के माध्यम से ज़्यादा आसान पड़ेगा। और दूसरी बात ये बता दें, ये जैसे DSP इसकी जो है, और ये ड्राइवर जो आप देखे हैं, इसका जो डिज़ाइन किया है जिन्होंने, उन्हें आप जानना चाहेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपने यूज़ तो बहुत किया होगा, इसे देखे होंगे और कई सेटों में देखे होंगे DSP की डिज़ाइन और ड्राइवर की, लेकिन आप तो आज तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि इसको किसने डिज़ाइन किया था। उन्हें हम जो है अभी आपके सामने दिखाते हैं। उनका नाम है मिस्टर जगदीप चौहान। ये हैं, इस समय इनकी अपनी कंपनी है APRO के नाम से इन्वर्टर निकालते हैं, और DSP के बारे में जो है डिज़ाइन इन्होंने ही किया था, जो कि आज नंबर एक पे है पूरे वर्ल्ड में। इस डिज़ाइन को नंबर एक माना जाता है, इसकी अपनी एक विशेषता है, और इनकी एक कंपनी है APRO अब इस समय जो है। और आगे इस जीनस इन्वर्टर में जो ये ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है सेंसिंग, उसका ये 23 वोल्ट है, और इनपुट 400 वोल्ट के आसपास। ये आप जो PCB देख रहे हैं इन्वर्टर का, ये इनका दो मॉडल में आता है, एक डीलक्स है और एक ये मॉडल जो सामने है। तो डीलक्स वाला जो मॉडल है, उसे हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देंगे उसकी डिटेलिंग, जो कि उस कंपनी को, उस PCB को और भी कंपनी यूज करती हैं, और ये PCB ओनली केवल आपको जीनस में ही देखने को मिलेगा। तो इसे आप देख लें ध्यान से, और इसके बाद हम डायग्राम को आपको बताते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा इन्वर्टर है, इसका ये जो ड्राइवर से सिग्नल आता है गेट को जाने के लिए, और ये DSP है जहाँ से इसको इन होता है सिग्नल,
ड्राइव करने के लिए, उसे हम अभी डायग्राम में जो है आपको वोल्टेज के द्वारा ट्रेस करके दिखाते हैं। तो पहले आप इसे ऊपर से देख लें, जो इसका ये रेगुलेटर है 5 वोल्ट, उसे जब पीसीबी को डाउन कंडीशन में करते हैं तो उस कंडीशन में हमने जो है उस डायग्राम को डिज़ाइन किया है, जो कि अभी हम आपको दिखाते हैं। ये इसका 5 वोल्ट रेगुलेटर है 7805। और ये थर्मिस्टर है, ये डायग्राम आपको स्पष्ट थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, प्रयास करते हैं जूम करके दिखाने के लिए। इसे आप ध्यान से देखें तो आपको पीसीबी डिज़ाइन के अनुसार ही आपको ये मिलेगा। हमने इसलिए इसको डिज़ाइन किया है कि आपको रिपेयर करने में काफ़ी आसानी हो, कि कौन सा पिन कहाँ से इन होता है और कहाँ से आउट होता है, इसे आप क्लियर करके एक बार बता दें आपको कि ये डीएसपी जिस मोड में है एंगल पे, उसी हिसाब से देखें तो ये हमारा जो ड्राइवर है सीधा, तो इस कंडीशन में ये ड्राइवर की डिज़ाइन है, और ये ट्रांसफार्मर है इसका, जहाँ से ये दोनों वायर जुड़ते हैं, और ये बीच में देखें ये निगेटिव है बैटरी का, जहाँ से बैटरी का वायर जाता है यहाँ पे, ये बैटरी का वायर है, और ये बैटरी की पॉजिटिव लाइन है, और ये पॉजिटिव है यहाँ पे, ये बैटरी से जो पॉजिटिव आती है यहाँ पे जुड़ती है, और ये हमारा जो है ट्रांसफार्मर का दोनों पॉइंट है, जो कि एक ये है और एक ये है, ये दोनों ट्रांसफार्मर को सॉरी पीसीबी में जाते हैं, और ये जो यहाँ से आउट होता है ये गेट के लिए पल्स, ये हमारा इधर से जाएगा, और ये दोनों पल्स गेट को ये दोनों चैनल में जाएंगे, सब मिला के ब्रिज चैनल है, जहाँ पे ये 4 है, ये देख लें ये 4 चैनल हैं, ये 4 चैनल ये हैं। इसी कंडीशन में हमने वोल्टेज को ट्रेस किया है जैसे ये, और उसी कंडीशन में हमने इसे भी डिज़ाइन किया है, जो कि आप ये देख सकते हैं डीएसपी, और ये ड्राइवर, ड्राइवर का आपको डिटेल इसलिए दिए कि यहाँ से जो पल्स इन होता है, कभी कभी वो ड्राइवर निकालने के चक्कर में जो है कभी पीसीबी ओपन हो जाए, तो आप यहाँ से जो है सीधे इसके वोल्टेज को ट्रेस करते हुए लाइन को क्लियर कर सकें, तो इसलिए हमने जो है इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि ड्राइवर को अगर इस एंगल पर रखेंगे तो आपको इसके पिन की डायरेक्शन जो है सेम इससे मिलेगी इसी कंडीशन में, क्योंकि पीसीबी भी जो है इसी डिज़ाइन में है नीचे। और इस पे हमने वोल्टेज भी लगभग सब दे दिए हैं, जो कि नॉर्मल और इन्वर्टर मोड दोनों वोल्टेज हैं, जो रेड कलर से हैं वोल्टेज लिखे हुए वो हमारा इन्वर्टर मोड के हैं, और जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो नॉर्मल मोड के वोल्टेज हैं। जैसा कि आपको बताए कि ये डीएसपी और ये ड्राइवर
दोनों की डिज़ाइन मिस्टर जगदीप चौहान ने किया था, उस समय ये जीनस में थे। और आज की वीडियो हम जो आपके सामने ये डायग्राम दिखाए हैं, इसकी हम और डिटेलिंग, जैसे कहाँ से कौन सा वोल्ट ड्राइव निकलता है और कहाँ से इन होते हैं, कहाँ से आउट होते हैं, कितने वोल्ट के होते हैं, उसे हम कंप्लीट मल्टीमीटर के द्वारा ट्रेस करते हुए और डायग्राम को दिखाते हुए साथ में हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, और बाकी हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और किसी और के काम आ सके तो इसे आप शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल में नए हों तो प्लीज़ ऐसे वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों।